आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। फतेहपुर में प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। संयुक्त जनसभा के लिए पंडाल बनाने का काम पूरा हो गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा ने बताया है कि जनसभा स्थल पर बनने रहे पंडाल और वाहनों के ठहराव सहित प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सुनने आ रही भीड़ को देखते हुए 15,000 कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। कमिश्नर सहित डीएम अपूर्वा दुबे और एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने दल बल के साथ तैयार हो रहे पंडाल में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। खबर कन्नौज से है, जहां पर समाजवादी पार्टी की जनसभा के दौरान जमकर भगदड़ हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की करते हुए पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बैरिकेटिंग फांदते हुए मंच तक पहुंच गए। पुलिसकर्मियों ने सपा कार्यकर्ताओं को मंच की ओर बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। व्यवस्था बिगड़ते देख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 15 मिनट में ही अपना संबोधन समाप्त कर दिया। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता भी की। मिर्जापुर में विधानसभा चुनाव के कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के कार्यालय पर पुलिस पहुंची। प्रत्याशी द्वारा अवैध कार्यालय खोले जाने की शिकायत पर उड़न दस्ता और पुलिस की टीम कांग्रेस प्रत्याशी के प्रधान कार्यालय पहुंचकर जांच पड़ताल की। कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष शरद चंद का कहना है कि किसी ने कार्यालय के अवैध होने की शिकायत की थी, जिसकी जांच के लिए प्रशासन की उड़न दस्ता टीम और पुलिस आई थी। इस कार्यालय को खोलने के लिए परमिशन प्रशासन से ली गई है। वहीं बस्ती में रुधौली विधानसभा से अशोक मिश्रा प्रत्याशी के रूप में उतरे। बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार में सिर्फ रोजगार के नाम पर युवाओं को बेवकूफ बनाया गया है, जबकि रोजगार मिली ही नहीं, सारे मामले कोर्ट में हैं। वहीं विधानसभा में बाहरी लोगों ने ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से जमकर लूटपाट की और नेताओं ने अपनी जेब भरी है, लेकिन इस बार यहाँ की जनता इसका भरपूर जवाब देने का मन बना चुकी है। बसपा प्रत्याशी अशोक मिश्रा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, चलिए आपको सुनाते हैं। प्रत्याशी अशोक मिश्रा ने युवाओं के रोजगार को लेकर क्या कुछ कहा। हम इस वक्त मौजूद है रुधौली विधानसभा क्षेत्र में, हमारे साथ मौजूद है अशोक मिश्रा जी, जो बीएसपी के रूप में उम्मीदवार के रूप में जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब की बार इसे हम जानते हैं, आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और किस तरह वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। तो मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। जी धन्यवाद। मेन मुद्दा रुधौली विधानसभा का विकास, जिस तरह से लूट घसोट ठेकेदारी प्रथा चला है रुधौली में, ये समाप्त किया जाए। अब रुधौली की जनता ये मूड बना चुकी है कि यहाँ से जो बाहरी हों वो बाहर जाएं, क्योंकि जो भी आए वो रुधौली के लिए हित में नहीं था और जितने भी आए वो कोई रुधौली के लिए कुछ किया नहीं गया है। जो आए हैं बाहरी आए हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे व्याप्त है, ठेकेदारी प्रथा व्याप्त है, इसको समाप्त करना है। जो बाहरी का मतलब यह है कि जो कभी उनकी जो जन्मभूमि है वो यहाँ नहीं रहा, वो रुधौली के वासी नहीं है, वो बाहर से आए, कोई टांडा से आया, कोई बस्ती से आया है। अब ये नहीं चलेगा, रुधौली जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि बाहर के लोगों को यहाँ पे आए और अपना विकास अपना तो कर लिया है लेकिन रुधौली विकास नहीं हुआ है। तो मतलब इस सरकार जो सरकार तो कहती है हमने तमाम विकास कार्य किए, जोड़ा गैस कनेक्शन, आवास, सड़क, बिजली, नाली, पानी, सारी चीज व्यवस्था की और जनता सरकार से खुश है, तो किस तरीके से आप उस पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे वोटरों को? अब कहने के लिए तो कह रहे हैं, मुझे बताइए किस उज्ज्वला गैस सिलेंडर देने से काम नहीं। आज गैस सिलेंडर का दाम क्या है? एक गरीब आदमी वंचित शोषित जो यहाँ का है वो क्या गैस सिलेंडर भरवा सकता? आप जाइए देखिए, सबके घर में गैस सिलेंडर आज पड़े हुए हैं।
1000 रुपये गैस कौन भरवा पाएगा? 400-500 रुपये जब ये उज्ज्वला योजना चालू की है, 500 रुपये के सिलेंडर का दाम था, आज 1000 रुपये दिया जा रहा है, ये क्या है? बिजली दिया गया, आज बिजली का बिल जब आ रहा है तो बिजली बिल नहीं भर पा रहे हैं लोग। ये गरीब, यहाँ पे कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिनके पास कोई काम हो, बेरोजगारी है यहाँ पे। ये गन्ना की का सबसे बड़ा उपज वाला देखा जाए तो धोनी विधानसभा है, और आज पिछले साल का भुगतान नहीं मिल पाया है। तो ये सारी जो नाकामियां है सरकार की, ये सबसे बड़ा फैक्ट है यहाँ का। तरीके से किसान कई महीनों तक धरना के रूप में मदद रूप में चला, आपका सरकार बाद में बैकफुट पे आई और किसान बिल जो उसने वापस भी लिए, तो क्या लगता है कि इस तरीके से जिस तरीके से बीजेपी की गवर्नमेंट में किसानों के साथ हुआ है, तो वो वोटर्स, किसान वोटर्स आपकी पार्टी से, आपसे जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे। कारण ये रहा कि किसान के हित में जो सोचेगा, जो ये हुआ, अगर ये इलेक्शन ना होता 5 राज्यों में तो ये वापस नहीं लेते। उनको पता था कि अगर हम वापस नहीं लूँगा तो बिल्कुल सोपड़ा साफ हो जाएगा, उसके बावजूद भी ये कहीं नहीं रहेंगे, पक्की है विदाई यहाँ से सुनिश्चित है। और मैं तो, क्योंकि मैं बहुत प्रदेश की बात नहीं करूँगा, मेरा स्थानीय मुद्दा है। आप एक भी रोड बताइए, उकड़ा से लेकर के शंकरपुर का रोड आप चले जाइए, पहले आप लोग निरीक्षण कीजिए। मैं कहने से नहीं, महुआरा से केशवापुर तक का रोड जो दुर्दशा है, जिसकी कोई सीमा नहीं, आप अल्टो गाड़ी लेकर के नहीं निकल सकते हैं। अगर बरसात हो जाए, बीच में बरसात हुआ था, मैं चुकी क्षेत्र में चल रहा था, इतनी बुरी स्थिति है जिसका कोई सीमा नहीं है। तो विकास अपना वो लोग विकास किए हैं, जनता का विकास नहीं किए हैं। और जब तक जनता का विकास नहीं होगा, तब तक रुधौली विकास कैसे होगा? ये है असल मिश्रा जी, जो बीएसपी से लग रहे हैं, और ये आप साफ तौर पे कह रहे हैं, जनता यहाँ से हमको जीत दिलाती है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, नाली, पानी सब पे, रोजगारों पे, खासतर हम युवा के लिए रोजगारों पे खासा इस पे ध्यान देंगे, और इसके लिए करेंगे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो युवा है बाहर कहीं ना जाए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में उनको रोजगार मिले। बस्ती से प्राइम टीवी के लिए रजनीश पांडे। यूपी में चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा, वहीं रायबरेली में उससे पहले जिला प्रशासन ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इसी कड़ी में मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया, यहां शिक्षक और शिक्षिकाओं ने मिलकर मतदान किए जाने का संदेश दिया, रंगोली बनाई। इसके अलावा मतदान में सेल्फी पॉइंट भी इस अभियान का मुख्य आकर्षण रहा। कार्यक्रम के दौरान शिक्षिकाओं ने न केवल मतदान किए जाने क्यों जरूरी है इसकी जानकारी दी, बल्कि शपथ भी ली गई कि वह अपना और अपने जानने वालों का मतदान जरूर कराएं। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़े शिक्षक और शिक्षिकाएं भी मौजूद रहे। रायबरेली में 23 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर जहां प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं, इसी को लेकर रायबरेली सदर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मनी सिंह चौहान अपने सैकड़ों समर्थनों के साथ अपना जनाधार बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर डॉक्टर मनीष सिंह चौहान ने सदर विधानसभा के कई गाँव में जाकर प्रियंका गांधी की तर्ज पर जमीन में बैठकर लोगों से समर्थन मांगने की अपील की है। यूपी के अमेठी जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां तिलक समारोह में खाना बनाने आए युवक की दीवार गिरने से दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि कार्यक्रम में खाना बनाने आए कारीगर ने खाना बनाकर दावत में आए सभी लोगों को खाना खिलाने के बाद दीवार के पास सोने के लिए लेटे थे, तभी अचानक कच्ची दीवार भर भरा कर गिर गई, जिसमें दबकर युवक की मौत हो गई, दो लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के पचेहरी गाँव का मामला है। ये सर बता तो रहे हैं, जो लड़का बताया वही सच्चाई है एकदम। क्या आप बताइए? हाँ सुनिए, हम लोग खाना बना के, खाना सबको खिला के, और उसके बाद हम लोग भी खाना खाए, उसके बाद सोने गए, हम भी पहुँचे, ये भी सब लड़के पहुँच गए, वो भी गया पहुँचने, उसके बाद तुरंत ही दीवार भाग से गिर पड़ी और उसके दर पर मौत हो गई। हम लोग खाना बनाने गए थे, खाना ख़त्म हो गया, सामने कह गया खाना खाने, खाना खाकर आए सामने पहुँचे, तो उधर से और हमने कहा उधर चले, इधर तो कहा नहीं मैं आपके अपने साइकिल पास पौड़ूंगा नहीं, मेरी साइकिल हेरा जाएगी तो मैं कैसे जाऊंगा।
फिर मैंने आप हम सब ने सब सो गए, तो फिर जैसे ही आँख लगी तुरंत दीवार गिर पड़ी। बिजनौर के खारी इलाके में दो मोटरसाइकिल की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। वहीं हादसे में दो मासूम की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डॉक्टर साहब, एक ही एक्सीडेंट हुआ है, इसमें कितने लोगों की मौत हुई है और कितने घायल है? ये एक खारी में एक्सीडेंट हुआ है, इसमें दो बच्चियां तो ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो गई थी, एक बच्ची और सीरियस है और उसका पिता है चंद्रपाल, वह भी बहुत बुरी तरीके से सीरियस हालत में है। टोटल ये टोटल चार थे एक तरफ से, और दूसरी तरफ का दूसरा था उनका नाम अनिल कुमार था, वह भी सीरियस है। मृत्यु कितनी हुई डॉक्टर साहब? दो लोग मरे हैं और तीन लोग घायल हैं। दोनों बच्चे हैं ना? हाँ, दोनों बच्चे मरे हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुधवार की रात हल्दी की रस्म के दौरान दिल दहलाने देने वाला हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मरने वालों में महिलाओं और बच्चियां शामिल हैं। आप बता दें कि गांव में एक शादी समारोह से पहले हल्दी रस्म के दौरान सभी महिलाएं कुएं की जाली पर बैठकर पूजा कर रही थी, तभी जाली टूट गई और सभी उसमें गिर गई। वहीं जिलाधिकारी राजलिंगम ने 13 लोगों की मौत की पुष्टि की है। एक दुखद हादसा हुआ, ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही ब्रॉड डेड होता। अभी तक यहाँ पे 11 बॉडीज यहाँ पे मार्चुरी में हैं और सारे महिलाएं और बच्चियां हैं और दो की हालत वहाँ गंभीर बताया जा रहा है, आने के बाद पता चलेगा। रायबरेली में 40,000 रुपए के लिए दोस्त ने ही दोस्त के निर्मम हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया सिल बट्टा बरामद कर लिया है और नसीराबाद थाना इलाके का है। मंडल का शव उनके घर से बरामद हुआ था। इस घटना की सूचना पर सीओ सलोन और इंस्पेक्टर नसीराबाद इन लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हुई। मुखबिर सूचना इलेक्ट्रॉनिक और सर्विलांस साधनों के माध्यम से इसमें जानकारी हुई कि इस हत्या में जो ये मृतक थे डॉक्टर निर्मल मंडल, उनके मित्र डॉक्टर एक अभियुक्त शंकर बैरागिन के मित्र थे, वो इस घटना में शामिल थे। आज गांधीनगर मोड़ के पास से अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और उसकी निशानदेही पर उसकी मृत्यु में कारित हुआ जो सिलबट्टा था वो बरामद किया गया। शंकर बैरागी ने पूछताछ में बताया कि ये डॉक्टर निर्मल मंडल उसके घनिष्ठ मित्र थे, पिछले 3 वर्षों से दोनों में मित्रता थी। अभी कुछ दिनों पहले 40,000 रुपये निर्मल मंडल ने शंकर बैरागी को अपना दुकान खोलने के लिए दिए थे। इस रुपये की मांग की जा रही थी डॉक्टर निर्मल मंडल द्वारा, इसके कारण ये जो शंकर बैरागी हैं ये हुन्नस मानने लगे थे, आप इनका मन में रंजिश थी। 31 जनवरी को रात्रि में डॉक्टर निर्मल मंडल का परिवार कहीं बाहर गया हुआ था, इस बात की जानकारी अभियुक्त शंकर बैरागी को थी। रात में ये आया, डॉक्टर निर्मल मंडल के यहाँ ही रहा, खाना खाया, उनके साथ ही सोया और रात में सोते समय सिलबट्टे से प्रहार करके डॉक्टर निर्मल मंडल की हत्या कर दी। खबर फतेहपुर से है जहां युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं युवती के मायके पक्ष से पिता ने बकेवर पुलिस को शिकायत पत्र देते हुए ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि मामला फतेहपुर जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र के भैंसौली गांव का है। देवरिया में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपत मिश्र की ओर से गुमशुदा मोबाइल के संबंध में प्रार्थना पत्रों के निस्तारण और बरामदगी के लिए निर्देश दिया गया था, जिसके तहत साइबर सेल ने अभी तक 125 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए। मोबाइल फोन सभी आवेदक गढ़ों को वापस लौटा दिया गया है।
साइबर सेल देवरिया ने कड़ी मेहनत करके 125 मोबाइल फ़ोन जो विभिन्न लोगों के गुम हुए थे उसे आज बरामद कर उन सबको वापस किया है और इससे 125 व्यक्ति जो जनपद देवरिया और अन्य आसपास के जनपदों के हैं वो बड़े प्रसन्न हुए हैं और उन सब ने प्रसन्नता का इजहार भी किया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।